अमृतसर का गुरु नानक अस्पताल एक बार फिर तो चर्चा के विच है जी। तो अंदाजे कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो अंदाजे कि एक मरीज जो है 15 दिनों तो हस्पताल के बरामदे के विच ही पे है। उसके अंदर इन्नी ताकत भी नहीं कि वह खुद उठ के कुछ खा पी लवे या फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो अंदाजे कि उधर आन जाने वाले लोग भी उसमें पानी पिलाते हैं, पर जदों दसंबर न्यूज़ की टीम मौके पर पहुँचती है तो उत्थे हड़कंप मच जाता है। तो जिहड़े हस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुँचते हैं तो उस व्यक्ति को स्ट्रैचर से पा के अपने नाल लै जाते हैं। इस संबंधी जो अधिकारियों के नाल गलबात की जाती है तो उन्होंने मुँहों कुछ भी नहीं निकलता। पर तुम दस दी कि जिहड़ी घटना काफ़ी हैरान करके रख देने वाली है, क्योंकि हस्पताल के मुख्य गेट पर ही कोई व्यक्ति पे है बेहोशी की हालत के पे है। काफ़ी लंबे समय तो जोड़ा कि बीमार दसिया जा रहा है। जी तस्वीर भी बयान कर रही ने कि किस तरीके दे नाल उस व्यक्ति दे हालात काफ़ी माड़े हो चुके हैं, खुद उठ भी नहीं पा रहा। इस संबंधी सरकारी हस्पताल दे विच जो सहूलत ने उसू लैके पोलों भी खुलिया ने, इसनों लैके जोड़े उत्थे आन जाने वाले मरीज ने उन्होंने वालों की कुछ कहा गया, सब तो पहले वो तो सुनाते हैं। मेरा नाम बूटा राम जी। इनू 15 दिन होया इत्थे पेदे जी। इनू किसी सरकारी इदारे ने आके पुछया मेरे तेरे वर्गे इन्हां लोकां चों कोई उन्हूं पानी पिया आंदा, कोई बेचारे नूं डबल रोटी लिया आंदा, कोई प्रसादा दे आंदा, मतलब किस तरह भी है कदे उत्थे बेचारा पानी पींदा मारा जांदा, कोई तरस खा के पानी की बोतल उत्थे फड़ांदा। इन 5-6 दिन होया हुण बनैन खोल के कदी इत्थे कदी इत्थे कदी इत्थे, रात नूं बेचारा उत्थे बूहे अगे पिया सी। बस इहदा इही हाल। हाँ जी बिल्कुल खत्म होया पिया, इत्थे खत्म होया। ये हस्पताल में एवें कह रहे हैं इत्थे फ्री इलाज हो रहा, फलान हो रहा, भगवंत मान भी बकवास करता है। ये जी गुरु नानक हॉस्पिटल है, इत्थे एक दिन MLA भी आए ही, चंडीगढ़ों टीम आई ही, पर MLA भी इत्थे कुछ नहीं करके गए। वह घड़ी इत्थे लोगों का माड़ा मोटा इत्थे साफ सफाई कर लो, लोगों साफ सफाई थोड़ी वेखनी जो लोगों का इलाज ही ना होया। तो उन्होंने पता लग गया, मीडिया वाले आ गए, फटाफट ट्राली लैके अपनी पहुँच गए, नहीं तो कहना है इतने मर जाना है। अभी बड़े दिनों वेखन डे भी अज भी गया, कल भी गया, बिल्कुल हूँ तक बंदा 9 पर 9 हो सकता है। बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा निगाली है डॉक्टर की, इतने गलत करके भी नहीं मानते भी अं गलत किया जी, सगों अगों आकड़े है। उधर जो इस संबंधी हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाल इसका स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की गई तो काफ़ी हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। जहाँ तुम दस दें कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि यह व्यक्ति आज तो नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल तो हस्पताल के बरामदे के विच ही पे है। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुने तुसी, उन्हों का कहना है कि पिछले 15 दिनों तो नहीं सगो 2-3 साल तो यह हस्पताल के बरामदे के विच पे है। जिस तो बाद जो यह बीमार होंदा तो इसका इलाज कर दिता जाता है, तो इलाज करने तो बाद इस उवें ही छड़ दिता जाता है। तो काफ़ी हैरान कर देने वाला यह बयान सामने आया। सुपरिटेंडेंट वालों दसिया जा रहा है कि 15 दिन नहीं सगो 2-3 साल तो यह व्यक्ति जो भी बीमार होंगे तो बरामदे के विच ही रहा है, उत्थे उसका इलाज किया जाता है, तो उसनों ज्यों का त्यों छड़ दिता जाता है। डॉक्टर KD सिंह मेडिकल सुपर गुरु नानक देव हॉस्पिटल। अच्छा सर, किस तरह स्टाफ की कोई कमी तो नहीं हैगी या फिर कोई जिहड़े उत्थे सफाई के प्रबंध ने वह सारा कुछ किस तरह चलता है गुरु नानक देव? स्टाफ की कमी तो जी है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जोड़े ने पिछले समय दौरान बहुत वध गए जी, तो उस तरीके के हिसाब न ही असी फिर स्टाफ जोड़ा है टाइम टू टाइम जी रिक्वायरमेंट भेजती भी है जी। बाकी सरकार उत्ते लगी हुई है, उन्होंने कई बार एडवरटाइजमेंट्स भी क्ढ़िया ने। अच्छा सर, एमरजेंसी कही है, एमरजेंसी के राउंड उ बजता वा या फिर किस तरीके तो रोज़ बजता है? रोज़ बजते सर। एक जी मेन चार्ज है ना वो नर्सिंग सिस्टर होंगे ने एमरजेंसी के। ओके, एमरजेंसी के दो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, एक मेडिसिन के सर्जरी वाला पार्ट है, एक ऑर्थोपेडिक्स का है। मेडिसिन सर्जरी के नर्सिंग सिस्टर जो होर होंगे उत्थे एक ओवरऑल उस एरिए का एक चार्ज जोड़ा है, एक नर्सिंग जो मैटर ने उन्होंने दिता हुआ है जी जी। अच्छा, यानी कि राउंड चलता रहता, चाहे कोई अधिकारी कोई चलता रहता टाइम टू टाइम। सर, आयुष्मान कार्ड जिते बनते हैं उत्थे कार्ड नहीं बनते, उत्थे जो भी बंदा आयुष्मान का जिहड़ा भी बनाया है ते उस जगह ते फाइल जिहड़ी प्रिपेयर होंदी है ते उस जगह ते एक नौजवान पिया होया, उन्हें 15 दिन हो गया उत्थे लागे गोवां दी पिया, किसी ने उन्हें स्ट्रेचर ते रख के अंदर नहीं ले जाया गया, जिदा साडी मीडिया की टीम पहुँचती है स्ट्रैचर भी पहुँच जाता वा, डॉक्टरों में भी हबड़ा दबड़ी मच जाती कि इन्हें लै जाओ फटाफट कि खबर न लग जाए। वो बारे तुम्हें देखा कभी? हाँ जी पता है मैंने वो बारे, उन्होंने कई बार असी बहर कढ़िया उस बंद। अच्छा, वो बार 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 दोबारा रात को आ जाता, इतने सौ जाता, उन्होंने कई बार मना किया कि इतने ना आया कर। अच्छा, वो कोई पेशेंट नहीं है जी, एम्बुलेंस अड़के गई
कोई छड जांदा है ना उन्हें इतने बार बार, फिर वो चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, पता नहीं वो कहते कि मैंने घरों कढ़ दिता है किसी ने बच्चे ने, तो वो बार बार इतने आ जाता है। अच्छा, अज फिर डॉक्टर अंदर को लैके उसकी साफ सफाई करके इलाज की शुरू करता, अज इलाज शुरू करता उसका? नहीं, जो पेशेंट वो साढ़े को एडमिट होएगा तो करांगे ना, वो पेशेंट एडमिटेड तो है नहीं, वो तो वैसे ह्यूमन के तौर पर एक चंगे के तौर पर भी चलो कर दें, उन्होंने कहा भी करो थोड़ा जहा देख लो कोई गल नहीं, माड़ा जहा होंगे तो उन्होंने छड़ देना। कोई ज़्यादा एडमिट कराए उस पेशेंट में? किन्ने एडमिट करवाया? यानी कि कोई एडमिट कराएगा फिर असी कोई एडमिट होएगा तो फिर भावें 10 दिन हो गए भावें 15 दिन हो, जो जो नहीं कोई बिना एडमिशन के किसी का किसी इलाज कर सकते हैं ना, जो कोई पेशेंट एडमिट होएगा एमरजेंसी से ता ही इलाज शुरू होएगा। जो कोई एवें छड़ जाएगा किसी को, उन्होंने बंदा अज का नहीं है, वो पिछले 2-3 सालों तो आ रहा है, आंदा फिर चला जाए। हाँ, 15 दिन तो तुम देखे होने ना, अभी तो 2 साल तो देखे, 2 साल तो वो बार बार आंदा है, कोई उन्होंने छड़ जाता है, वो फिर चला जाता है, फिर वो कई बार कहता मैं एडमिशन नहीं लैनी, मैं इलाज नहीं कराना, फिर चला जाता है, फिर उत्थे पै जाता है, वो ड्रग एडिक्ट है बेसिकली। अच्छा जी, एक मेरा लास्ट सवाल रह गया, तुम कहते कि 2-3 साल तो लगातार आंदा, लगता नहीं कि इतने जो फिर क्राइम होंगे इस तरह के लोग ही कर सकते क्राइम? बिल्कुल करते, ऐसे करके सिक्योरिटी। समा न्यूज़ के लिए अमृतसर तो मोहित तलवार की रिपोर्ट।